इमरान, आपके लिए कितना मुश्किल या आसान था ये किरदार निभाना? एक बिल्कुल रफ लुक में नजर आ रहे हैं, हरियाणवी डायलॉग्स हैं फिल्म में, और यहाँ पोस्टर में आप बियर की पूरी पेटी लेकर भाग रहे हैं। वैसे तो मेरी जो छोटी सी करियर है, दिस इज बिन द टफेस्ट रोल दैट आई हैव डन। आज तक इतना मुश्किल काम नहीं मिला है मुझे, क्योंकि ना सिर्फ मुझे हरियाणवी सीखनी पड़ी, भाषा तो एक बात है, उसके अलावा वहाँ का एक बोलने का अंदाज है। हर एक शहर, हर एक गांव में एक बोलने का अंदाज होता है, एक लहजा होता है, वो भी सीखना पड़ा मुझे। बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ी, आई हैव टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, और मजा भी बहुत आया। क्योंकि अगर आप किसी ग्रेटर इंसान से पूछे, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर, हम ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, ये हमारी इंडस्ट्री की खासियत है। जब हम ट्रेलर्स को देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पंकज साहब आपका नाम पूछ रहे हैं कि वैसे नाम क्या है तेरा, और आप बोलते हैं कुत्ता हूँ। तो नाम नहीं पूछे, वो पूछे कि वैसे तू है कौन, वैसे तू है कौन, तो आप कहते हैं कुत्ता हूँ। तो बहरहाल, लेकिन फिल्म में आपका एक किरदार होगा, क्या एक्चुअली वो किरदार है क्या, और क्या उसके शेड्स हैं, और ये प्लीज हरियाणवी में जवाब दीजिएगा। कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है। उसका नाम हुकुम सिंह मटरू है, लोग प्यार से उसे मटरू बुलाते हैं। वो है तो मंडोला गांव का एक लड़का, लेकिन वो जेएनयू से पढ़ के आया है, क्योंकि एलएलबी बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन उसने जानबूझ के फैसला लिया है कि वो वापस अपने गांव जाएगा, उनके तरह कपड़े पहनेगा, उनके तरह बोलेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी एन इनसाइडर, नॉट एन आउटसाइडर। वो बहुत सोशली कॉन्शियस कैरेक्टर है, वो चाहता है कि अपने गांव के जो हालात हैं उन्हें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करे। जी नहीं, मैंने नहीं दिया, क्योंकि इतनी हरियाणवी तो आती नहीं है, 2.5-3 महीने में इतना ही सीख सकते हैं। फ्रेंकली माई ओपिनियन इज दैट एनी क्रिएटिव पर्सन, एनी आर्टिस्ट, when you are faced with something new, you should be afraid, because that is what will drive you to work harder. There are many times when I'm sitting and trying to read through the script, and I was fumbling on the lines, and I was saying that I think I made a big mistake by signing this film, and I don't think that I'll be able to pull this off. And I think that was the time when Vishalji actually showed a lot more faith in me than I had in myself. And really, without him, without co-star like Pankajji, without the help that I got from N.K. Sharma, honestly, I would not have been able to do it. अनुष्का की खासियत यह है कि वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन अपने आप को सीरियसली नहीं लेती है। तो इट मेक्स इट वेरी इजी टू बिकम फ्रेंड्स विद हर, वेरी इजी टू वर्क विद हर। ट्रेलर वाला डायलॉग कुछ ज्यादा ही बोल चुका हूँ, बगैर कॉन्टेक्स्ट का कौन सा अच्छा वाला है। हाँ, अभी आपने प्रोमो देखा होगा, एक हिस्सा है जहाँ पंकज जी प्लेन चला रहे हैं, भूल नहीं पा रहे, थारी बेटी, थारी भैंस, थारी गड्डी, थारी चड्डी, पैन, जूती, कमीज, घड़ी, छड़ी, किसी से भी शादी करने को तैयार हूं, ये डायलॉग। अब मैंने फिल्म में हरियाणवी बोली है, सब पूरी दुनिया के सामने बोली है मैंने। There were several times when I questioned Vishalji's judgment. The first time when I heard the script, I said, "Sir, are you sure that you want me for this role?" He's saying, and he told me this. He's saying, I think it will be very exciting to take someone who does not fit the role and have them change themselves to fit into it. And then, of course, there were many times through the readings and the rehearsals where I started to question myself. I said, okay, I don't know if I'm going to fall flat on my face. I don't know if I'm going to make a fool of myself. And but ultimately, again, I believe that until you have that fear, as an actor, as a director, as a writer, you will not push yourself to work harder. Until you're afraid of failure, until you're afraid of falling down,
you won't push yourself. Intimidating in terms of thought, yes, but I've always believed that if you have a very talented actor in front of you, they force you to be better. The same way that if you're playing a sport with someone who's much better than you, you push yourself harder and you work yourself harder to raise yourself up to their level. Therefore, I'm grateful that I had someone like Pankaji in front of me to play off of. He's absolutely incredible in the film, and every day he would drive me to work harder. Not that he would tell me he would work harder. I would look at him and say, man, I have to match up.